यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैलिफोर्निया में 2017 में एक स्टडी हुई जिसमें ये पता हुआ कि जो भी पुरुष एक्सेसिव जिमिंग करते हैं या बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हैं या उनका कामकाज ऐसा है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना होता है, ऐसे पुरुषों में धीरे धीरे काम इच्छा, यौन शक्ति जो है कम होने लगती है। और एक्सपर्ट की माने तो ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण ये है, शारीरिक जो थकान हो जाती है, मानसिक थकान हो जाती है, मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव की वजह से जो आपको क्वालिटी टाइम आपके पार्टनर के साथ स्पेंड करना चाहिए वो आप स्पेंड नहीं कर पाते हैं। और इसका एक रीज़न ये भी है कि पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये सप्रेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से भी आपको आपकी यौन इच्छा और यौन शक्ति में कमी देखने के लिए मिलती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक्सरसाइज करना छोड़ दें या कि फिर आप जिमिंग करना बंद कर दें या परिश्रम करना छोड़ दें, बल्कि आप कुछ ऐसे योगासनों का अभ्यास भी अपनी रूटीन में शामिल करें जिससे कि आपकी शारीरिक और मानसिक जो थकान है, शारीरिक और मानसिक जो तनाव है वो कम हो, और साथ ही आपके जो हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो है ये बूस्ट हो ताकि आप अपने जो यौन शक्ति है और यौन ऊर्जा है उसको कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही चुनिंदा बहुत ही इफ़ेक्टिव योग आसनों के अभ्यास सिखाऊंगी जिनका निरंतर आप अभ्यास करते रहते हैं तो इससे शारीरिक मानसिक तनाव और थकान कम होती है, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जननांगों की सेहत अच्छी होती है, हार्मोन्स का सिक्रीशन जो है वो इम्प्रूव होता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे दिख रहे घंटी के निशान को ज़रा प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है आसानी से मिल जाया करें, और साथ ही इस वीडियो को भी तुरंत लाइक कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आइए करते हैं वो चुनिंदा और बहुत इफेक्टिव योग आसनों के अभ्यास जो मदद करेंगे हमारे पूरे शरीर का ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने में, हमारे जननांगों की तरफ ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने में, मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव को कम करने में। तो सबसे पहले योग आसन का जो अभ्यास करेंगे इसका नाम है बद्ध कोण आसन, या इंग्लिश में इसे कॉबलर पोज कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि मोची कैसे जूते बनाते वक्त या सिलते वक्त अपने दोनों पैर के तलवों को ऐसे जोड़ लेता है, तो इसी तरीके से हमने अपने दोनों पैर के तलवों को जोड़ लिया और इसको अपने पेल्विक रीजन के और करीब इस तरीके से खींचा ताकि आपको पूरा का पूरा एक्टिवेशन अपने जेनिटल्स के अराउंड महसूस हो। दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरीके से फंसाया और अपने पैरों को ऐसे लॉक कर लिया, स्पाइनल कॉर्ड को सीधी रखिएगा और फिर उसके बाद अपने दोनों घुटनों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करें, ऐसे कंट्रोल के साथ नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए इस तरीके से मूव करें, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो इसका अभ्यास आपको कितनी बार करना है, कम से कम एक मिनट मूव अप एंड डाउन इस तरीके से मूव करें। और पूरा ध्यान कहाँ पे रखना है आपको, आपके पेल्विक रीजन के अराउंड, आपके जेनिटल्स के अराउंड। जब आप ये अभ्यास करते हैं ना तो इससे बहुत ही अच्छे आपके इनर थाइस में खिंचाव आता है, आपकी हिप्स जो है फ्लेक्सिबल होती है और साथ ही लोअर बैक की भी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। तो इस आसन का अभ्यास कम से कम आप 3 सेट कर लें और तीनों सेट एक एक मिनट के हो जाएं तो बहुत अच्छे हैं। अगर इतना वक्त नहीं है तो 15 से 20 सेकंड के 3-3 सेट आप बार बार रिपीट कर लें इस तरीके से। और फिर इसको करने के बाद दोनों घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़ें और इस तरीके से अपने पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ के आराम दें, हग करें। अब हम दूसरे आसन के अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे जो हमारे मानसिक तनाव को कम करेगा और साथ ही अपने हिप्स के अराउंड जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव करेगा, नर्वस सिस्टम को काम डाउन और शांत करेगा। हम अभ्यास कर रहे हैं शशांक आसन का। इस तरीके से वज्रासन में बैठना है और दोनों घुटनों को एक दूसरे से इस तरीके से दूर करना है, जितना दूर कर सके हैं आप। फिर उसके बाद अपनी एड़ी पर बैठ जाएं और फिर एड़ी पर बैठने के बाद चूंकि घुटना एक दूसरे से दूर हो गया है तो आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से मैट पर स्लाइड कीजिए, स्लाइड कीजिए, स्लाइड कीजिए इस तरीके से, और फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों को
मैट पर, छाती को मैट पर, और साथ ही फिर उसके बाद आप अपने माथे को भी मैट पर ऐसे ड्रॉप कर दें इस तरीके से, और कम से कम 30 सेकंड से एक मिनट तक इसी पोस्चर पे बने रहें ऐसे, और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें ऐसे इस तरीके से। तो इसको करते करते आप खुद बखुद इफेक्ट देखेंगे कि चूंकि मैंने आपको कहा कि दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर कर लीजिए, और उससे क्या हुआ, आपका पूरे के पूरे ब्लड फ्लो आपके पेल्विक रीजन के अराउंड आया, हिप्स ओपन हो गए, थाइस पर बहुत अच्छी टेंशन आई। दोस्तों हमारे शरीर की ऊर्जा, हमारे शरीर की एनर्जी और हमारे शरीर में ताकत कहाँ से आती है, हमारे खाने से आती है, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपके खाने में वो सारे ज़रूरी पोषक तत्व हों जिससे कि आपकी यौन ऊर्जा और यौन शक्ति इम्प्रूव हो। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सारे पोषक तत्व हमारे खाने में नहीं आते और जिनका हमें पता भी नहीं चलता, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी फास्ट एंड अब का मैन एक्सटेंड। ये इंडिया में उपस्थित ऐसा सप्लीमेंट है जिसका आप अगर निरंतर इस्तेमाल करते हैं तो आपको आपके यौन ऊर्जा और आपकी यौन शक्ति में कई गुना इजाफा देखने के लिए मिलता है, आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में मदद करेगा। तो इसमें उपस्थित जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल है, साइंटिफिकली प्रूवन है, तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। किन किन लोगों को इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे पहली बात तो जिनको भी अपनी यौन ऊर्जा यौन शक्ति इंप्रूव करनी है, अपनी मैरिड लाइफ को और भी अच्छा करना है, अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, साथ ही आपकी शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने के लिए, पूरे शरीर की ऊर्जा और एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए। कब इस्तेमाल करना है, दिन में किसी भी वक्त खाना खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी सी ट्यूब में आपको 20 टैबलेट मिल जाती है, और इनमें से एक टैबलेट को आप 250 ml पानी में जैसे ही डालेंगे ना, ये तुरंत घुल जाएगा, और इसको आप जब कंज्यूम करते हैं तो तुरंत ही फास्टली आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इसको कंज्यूम करते हैं ना, तो आपको किसी भी तरीके की ब्लॉटिंग नहीं होती है, यानी पेट का फूलना, इनडाइजेशन की समस्या, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। साथ ही इसमें जीरो शुगर होने के कारण ये डायबिटिक फ्रेंडली भी है। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आपको कम से कम 30 दिन का इस्तेमाल इसको जरूर करना चाहिए। आपको दो फ्लेवर मिलते हैं, एक तो है आपका कोला फ्लेवर और दूसरा जो है वो पीच फ्लेवर है। ये दो फ्लेवर्स में ये अवेलेबल है। आप अगर इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो इन प्रोडक्ट्स को आसानी से आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें और डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं इस प्रोडक्ट का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद आप क्या करेंगे, अपने दाहिने पैर को, राइट फुट को दोनों हथेलियों के बीच में ऐसे लेके आ जाएंगे इस, और फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा कि राइट एंकल और नी एक लाइन में रहे। बहुत बार ऐसा पॉसिबिलिटी होता है कि आपका पैर तो पीछे रहता है लेकिन घुटना आप इस तरीके से कर लेते हैं जिससे कि घुटने पर प्रेशर आता है और थाई के अराउंड, हिप्स के अराउंड वो प्रेशर नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, अपने राइट फुट को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे दोनों हथेलियों के बीच में ताकि एंकल और घुटना एक लाइन में आ गया, और फिर उसके बाद धीरे से अपने लेफ्ट घुटने को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से। जैसे ही आप लेफ्ट घुटने को पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं, हिप को आपने नीचे की तरफ इस तरीके से पुश करना है। जब आप हिप को नीचे की तरफ पुश करेंगे तो पूरे के पूरी थाइस पर इसका इफेक्ट आएगा, हिप्स पर इफेक्ट आएगा, और जननांगों के अराउंड जो ब्लड फ्लो है ना ये इम्प्रूव होगा। और आपको सामने देखना है इस पोस्चर को, कम से कम 15 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड एक साइड होल्ड करके रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि हाथ रखने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, तो आप क्या करेंगे, आप योगा ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते। तो मेरे पास ये योगा ब्लॉक है, मैंने दोनों हाथों के नीचे ऐसे योगा ब्लॉक रख लिया। अगर आपके पास योगा ब्लॉक ना हो तो आप ईंटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लेफ्ट पैर को एक्सटेंड किया, हाथ को योगा ब्लॉक पर रखा और हिप को नीचे की तरफ पुश करते रहे, ऐसे होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर आप इस तरीके से हिप्स को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से पुश भी कर सकते हैं। जब राइट की तरफ काम कर हो गया तो अब अपने लेफ्ट पैर को दोनों हथेलियों के बीच में लेके आ गए, योगा ब्लॉक का इस्तेमाल करना है तो करें या कि फिर हटा दें, फिर अपने राइट घुटने को और पीछे एक्सटेंड करें, जो पैर आपका पीछे है उसको एक्सटेंड करें और टो को बाहर की तरफ इस तरीके से लगा दें। योगा ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी, और अगर नहीं इस्तेमाल करना तो इनको साइड में रखिए और फिर उसके बाद
होल्ड करें यहाँ पर ऐसे, हिप को नीचे पुश करते रहें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ऊपर नीचे भी इस तरीके से आप पुश कर सकते हैं ऐसे इस तरीके से। फिर जब ये अभ्यास हो जाए तो वापस से आप शशांक आसन में रेस्ट कर सकते हैं, वेरिएशन घुटनों को अलग करके वापस से शशांक आसन में बार बार रेस्ट कर सकते हैं, हेड डाउन कर लें ऐसे। अश्व संचालन आसन का जो अभ्यास है आप इसको 3 सेट करें राइट एंड लेफ्ट साइड, और हर एक बार पॉस्चर को 10 सेकेंड या 30 सेकेंड या 1 मिनट तक जिस तरीके से टाइम हो और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो आप ज़रूर करें। अब हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे जो कि है टाइगर स्ट्रेच या व्याघ्र आसन का अभ्यास। किस तरीके से करेंगे, आप टेबल टॉप पोजीशन पे ऐसे आ जाएंगे। टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद ध्यान रखें कि आपकी कलाई, आपकी कुहनी, आपका कंधा ये तीनों एक लाइन में हो, ऐसे आगे मत रख लीजिएगा। बहुत से लोग ऐसे आगे रख लेते हैं या बहुत दूर रख लेंगे ऐसे, ये मत कीजिएगा। तो दोनों हथेलियों को ऐसे सावधानी से मैट पर रखें, फिर उसके बाद अपने बॉडी का वेट लेफ्ट घुटने पर शिफ्ट कर दें, अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ें, सांस लें इस तरीके से, छत की तरफ देखें और सांस छोड़ते हुए अपनी थाई का दबाव पेट पर महसूस करें, अपने जेनाइटल्स पर महसूस करें और अपने घुटने को माथे की तरफ लेके आएं इस तरीके से। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। इस तरीके से आप कम से कम 8 से 10 बार एक पैर से अभ्यास कर सकते हैं। जब एक पैर से अभ्यास हो जाए तो दूसरे पैर से, लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ा, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। सांस ले तो पेट को ढीला छोड़े, सांस छोड़े तो पेट को अंदर की तरफ खींचे, लोअर एब्डोमेन को अंदर की तरफ खींचे। सांस ले, हिप्स को नीचे की तरफ पुश करें और सांस छोड़े, सांस ले, सांस छोड़े। इस तरीके से अभ्यास करने के बाद वापस से फिर से दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर करें, अपनी हील्स पर बैठें और फिर उसके बाद हेड को ड्रॉप करके रेस्ट करें कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए। अब रेस्ट करने के बाद हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे जो कि पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन का अभ्यास है, जो कि है भुजंग आसन। आराम से आप अपने पेट के बल ऐसे लेट जाएंगे मैट पर, ध्यान रखेंगे अपने टो को और अपने हील को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ के रखेंगे और दोनों हथेलियों को अपनी चेस्ट के साइड में रख देंगे इस तरीके से। एड़ियों को जोड़ा हुआ है, अंगूठों को जोड़ा हुआ है और अपने पाम को था अपने चेस्ट की साइड में रख दिया, हेड को ड्रॉप कर लिया। सांस लेते हुए हेड अप, चेस्ट अप, रोल योर शोल्डर्स बैक और यहाँ पर कम से कम इस पॉस्चर को 5 सेकेंड या 10 सेकेंड रोके जब आप सांसों को रोक रहे हों। अगर सांसें नॉर्मल नेचुरल ले रहे हैं तो कम से कम 30 सेकेंड्स तक यहाँ रुक सकते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए हेड डाउन चेस्ट डाउन, इनहेल, सांसों को रोके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सांसों को छोड़ दे। एक बार और सांस लें, हेड अप चेस्ट अप और रोके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर रेस्ट करें क्रोकोडाइल पोज या मकर आसन में। चेहरे को किसी भी साइड घुमा दें, रेस्ट करें, रेस्ट करें, रेस्ट करें। अब हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे जो कि है पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन का अभ्यास। इस आसन का नाम है सेतु बंध आसन। आराम से आप अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे ऐसे। पीठ के बल लेटने के बाद आपने क्या करना है, दोनों हाथों को अपने बॉडी के साइड में इस तरीके से रखना है, दोनों पैर के घुटने को एक दूसरे से अलग कर देना है ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद अपने धीरे से हिप को उठाना है जितना उठा सकते हैं ताकि गर्दन पर भी हल्का लॉक लगे। अपनी जो हिप्स को है ना, हिप्स को हल्का सा टाइट करके रखेंगे इस तरीके से ऐसे, और हल्का सा एब्डोमिनल मसल्स के पास जहाँ पर जेनाइटल है इस जगह की मसल्स को हल्का सा अंदर की तरफ खींचेंगे और सांस को छोड़ देंगे। सांस लेंगे और सांस को धीरे धीरे छोड़कर हिप को नीचे कर देंगे इस तरीके से। सांस लेंगे, सांसों को रोकेंगे। 1, 2, 3,
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और हिप को ड्रॉप कर देंगे। अगर ज़्यादा देर तक होल्ड कर रहे हैं पॉस्चर को तो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए जब तक आप इस पॉस्चर में रह सकते हैं कंफर्टेबल होके रहें और फिर उसके बाद हिप को ऐसे ड्रॉप कर दें। अब इसका अभ्यास करने के बाद पैरों को सीधा कर लें, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रख लें, थोड़ा रेस्ट करें शवासन में। शवासन में आराम करने के बाद अपने राइट पैर को घुटने से मोड़े कर रहे हैं अर्ध पवन मुक्त आसन। अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ लिया है, दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाया और धीरे से अपने थाई का दबाव पेट की तरफ इस तरीके से डालेंगे। इससे कॉन्स्टिपेशन गैस की समस्या दूर होती है, लोअर बैक की टेंशन दूर होती है और साथ ही पेट को लोअर एब्डोमेन को हल्की मसाज मिलती है। सांस लें, सांस छोड़ दें, सांसों को रोके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सांस ले लें, सांस छोड़ दें, रोके सांसों को। अगर सांस इतनी देर तक नहीं रोक सकते हैं तो कोई बात नहीं, जब तक हो पाए तब तक करें, फिर उसके बाद हेड को ड्रॉप कर दें। तो दोनों तरफ इसका अभ्यास 3 सेट कर लें और कम से कम 10 सेकेंड इस पॉस्चर को दोनों साइड रोक के रखें। इस तरीके से सांस लें, सांस छोड़ें, रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सांस ले लें, सांस छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 हेड को ड्रॉप कर दें और फिर उसके बाद दोनों पैरों को सीधा कर लें। आराम से अपनी योगा मैट पर लेटे हुए शवासन में आराम करें। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से मैं संचालित करती हूं, जिससे कि देश और दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो आप आसानी से मेरे साथ जुड़ के योग का अभ्यास कर सकें। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में आपको हर दिन अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, क्लिंजिंग टेक्निक, रिलैक्सेशन की टेक्निक मैं सिखाती हूँ, जिससे कि आपकी ओवरऑल वेलबींग यानी ओवरऑल स्वास्थ्य में लाभ मिले। इन योगा क्लासेस को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, चाहे आप बिगनर हो, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हो या कि आपको किसी भी तरीके की हेल्थ कंडीशन है, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, रात में नींद ना आना, पीरियड्स नहीं होते, पीरियड्स के दौरान बहुत दर्द होता है, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, ऐसी समस्याओं में योगासनों का अभ्यास करना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। साथ ही जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास कर रहे हैं, उनको अपनी हेल्थ कंडीशन से उभरने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिली है। अगर आप इन क्लासेस को जूम के माध्यम से नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज डेवलप किए हैं। इन रिकॉर्डेड कोर्सेज को आप प्ले करके घर, अपने ही घर के कम्फर्ट जोन में कभी भी, किसी भी वक्त, कितनी भी बार इन वीडियोज़ को प्ले करके आसानी से योग का अभ्यास कर सकते हैं। और ये जो कोर्सेज है ना, ये भी कंप्लीटली बिगनर फ्रेंडली है। अगर आपको मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लास के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है, जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर मैंने एक व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, इसको भी जाके ज़रूर देखिएगा। तो देर किस बात की, जाइए मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए या कि फिर एक व्हाट्सएप करिए और शुरुआत करते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इन योगासनों का अभ्यास बताया। आशा करती हूँ आपको इन योगाभ्यासों को करके ज़रूर ज़रूर लाभ मिलेगा। निरंतर योग का अभ्यास ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो बिना झिझक के मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब शेयर कीजिए। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते।